कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी लोग बेहतर होंगे। सो आज हम लोग क्लास नाइन्थ के इस मैथ्स के इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट को लेकर डिस्कस करेंगे, जिसका नेम है मिड पॉइंट थ्योरम। अगर आपको पता नहीं है कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे है कि वीडियो को पूरा देखें, ताकि इसका कॉन्सेप्ट आपको बेहतर ढंग से आपको समझ में आ जाए। तो चलिए बात करते हैं इस मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में कि एक्चुअली में है क्या। मान लो बेटा, अगर आपके पास कोई ट्रायंगल है, कोई भी नाम हो सकता है उसका, अगर आप उस ट्रायंगल में एक लाइन सेगमेंट ले रहे हो और वो लाइन सेगमेंट ट्रायंगल के किन्हीं दो साइडों के मिड पॉइंट को ज्वाइन अगर करती हो, तो वह लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल और उसकी आधी हो जाती है। अगर ये बात समझ में नहीं आई, तो चलिए मैं इसको डायग्राम से बना के समझा देता हूँ। मैं मान लो तुम्हारे पास ही कोई ट्रायंगल है और आपने इसका नाम रख दिया एज ए बी सी। मैं एक लाइन सेगमेंट मैंने ले लिया पी क्यू इस ट्रायंगल में। अगर यह पी क्यू लाइन सेगमेंट दो साइडों के मिड पॉइंट को ज्वाइन करे, यानी मान लो कि ये P जो है AB का मिड पॉइंट है और Q जो है AC का मिड पॉइंट है, तब ये जो लाइन सेगमेंट जो PQ लिए हो, क्लियर, इसे तोड़ क्या बनेंगे। पहला चीज, ये जो लाइन सेगमेंट PQ जो होगा वह इस तीसरे साइड BC के पैरेलल हो जाएगा, तो ये तो पैरेलल का सिंबल है। दूसरा रिजल्ट ये बनता है कि ये लाइन सेगमेंट जो PQ होगा इसका आधा हो जाएगा, यानी PQ का जो रिजल्ट होगा वह आधा होगा किसका, इस बीसी का। अब ये रिजल्ट बना कैसे है, चलिए इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कैसे करेंगे उसे आप देख लीजिए। आप क्या करें कि पी क्यू को बढ़ा दीजिए आर के डायरेक्शन में, और उसको ऐसा बढ़ाओ कि जो पी क्यू का जो लेंथ हो वो क्यू आर के बराबर कर लो, और यहाँ पे क्या करिए आर और सी को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो ऑलरेडी आपको बताया गया था कि Q जो है AC का मिड पॉइंट है, तो मान लो ये वाला जो रिजल्ट होगा, यानी जो AQ का जो लंबाई जो होगा वो QC के बराबर होगा। तो अब क्या करिए कि ट्रेंगल PAQ और ट्रेंगल QCR लेकर के इसमें कांग्रुएंसी लगा लीजिए। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, इन ट्रेंगल PAQ एंड ट्रेंगल CQR, ये मैंने दो ट्रेंगल ले लिया। अब इसमें देखेंगे कि कांग्रुएंसी कौन सी लग रही है। पहली चीज देखो कि पी ए क्यू ट्रेंगल में जो पी क्यू का जो लेंथ होगा वो बराबर होगा क्यू आर के, और ये चूंकि बाई कंस्ट्रक्शन आपने बढ़ाया है, तो यहां पे लिख दीजिएगा कि बाई कंस्ट्रक्शन। अब यहां देखो एंगल पी क्यू ए, ये बटा बराबर होगा किसके, एंगल सी क्यू आर के। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल के कॉन्सेप्ट से, यानी जब दो लाइनें जब इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके आमने सामने के एंगल बराबर होते हैं। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद से ए क्यू इज इक्वल टू क्यू सी। अब इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि क्यू जो है क्यू इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। तो अब इन दो ट्रेंगल में जब कांग्रुएंसी देखोगे तो इसमें आप पाओगे साइड एंगल साइड की कांग्रुएंसी पाओगे। तो यहां लिख सकते हो कि ट्रेंगल पी ए क्यू जो होगा ये कांग्रुएंट हो जाएगा ट्रेंगल सी क्यू आर के, और यहां पे आप कॉन्सेप्ट लिखेंगे एस ए एस, यानी साइड एंगल साइड। अब जब ट्रेंगल जब कांग्रुएंट होते हैं तो उसके जो रिस्पेक्टिव जो पार्ट्स होते हैं वो भी बराबर हो जाएंगे, यानी जो चीजें हिडन फैक्ट्स हैं। जैसे कि कहने का मतलब ये है कि जो इस सी आर का जो लेंथ होगा, ठीक है ना, वो किसके बराबर हो जाएगा, इस ए पी के, क्योंकि दोनों ट्रेंगल कांग्रुएंट हो गए, तो इसका रिजल्ट इसके बराबर हो जाएगा। साथ में और क्या चीज होगा, अगर आप देखोगे, अगर मैं यहाँ पे एंगल वन लिख दूं और यहाँ पे मैं एंगल टू लिख दूं, क्लियर, तो आप देखोगे यहाँ लिख सकते हो हैंस, यहाँ लिख दीजिएगा कि एंगल वन की जो वैल्यू होगी वो एंगल टू के बराबर होगी। साथ में क्या होगा कि एपी जो होगा बेटा वह इस सीआर के बराबर हो जाएगा, और यहां पे हम ब्रैकेट में लिख देंगे बाई सीपी सीटी, बाई सीपी सीटी। सीपी सीटी का मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, क्लियर। अब यहां पे चीज देखना बेटा कि जब एंगल वन और एंगल टू, क्लियर, ये आपस में क्या है, एक तरीके से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है,
तो जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा बेटा, तो जो सी आर जो होगा वो किसके पैलर होगा, इस पी ए के पैलर होगा। सी आर पैलर किसके हो गया बेटा, पी ए के। इसी तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो पूरा ए बी जो होगा बेटा, क्लियर, पूरा ए बी, ये भी किसके पैलर होगा, इस सी आर के ही होगा, क्योंकि ये जो पूरा ए बी जो है इसी ए पी का ही एक पार्ट है। तो आप ये भी कह सकते हो कि जो पी बी होगा वो भी किसके पैलर होगा, इसी सी आर के होगा। ध्यान समझिएगा मैं क्या ना क्या चाह रहा हूं। मैं एंगल वन बराबर एंगल टू के किस रूप से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और आपने पढ़ा है कि जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जब इक्वल होता है तो लाइन पैलर होती है। तो यहाँ पे जो सी आर का जो रिजल्ट होगा वो पी ए के पैलर होगा। तो जब सी आर पी ए के पैलर बटा, तो ये सी आर जो होगा पूरा ए बी के भी पैलर होगा, क्योंकि ये पी बी वाला जो हिस्सा है इसी का ही एक पार्ट है। तो ये जो सी आर जो होगा हम कह सकते हैं पी बी के भी पैलर होगा। और एक और चीज देखिए बेटा, पी ऑलरेडी मिड पॉइंट है किसका, इस ए बी का। तो ये जितना लेंथ ए पी का है बेटा उतना लेंथ पी बी का भी होगा, क्लियर। तो अब यहां पे देख लीजिए कि हमको क्या क्या रिजल्ट मिल रहा है। इस चीज को मैं क्लीन कर दे रहा हूं मैं, ताकि थोड़ी सी स्पेस बन जाए। अब यहां देखो जरा इस क्वाड्रिलेटरल पे जरा आना, जरा पी आर सी बी पे आना, इन क्वाड्रिलेटरल पी आर सी बी। देखो जब इस क्वाड्रिलेटरल पे जब नजर डालोगे तो जो सी आर जो है वह इक्वल है पी बी के, और सी आर जो है आपने पी बी के पैरेलल आपने दिखाया था। तो अब एक इंपॉर्टेंट चीज आप जान लीजिए कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर उसका वन अपोजिट पेयर पैरेलल और इक्वल, यानी अगर दोनों कंडीशन एक साथ अगर आप लगाते हैं तो वह क्वाड्रिलेटरल जो होगा वह पैलोग्राम होता है। यानी आपने इस क्वाड्रिलेटरल पी आर सी बी में दो चीजों को दिखा रहे हो, क्या चीज कि इसका वन अपोजिट पेयर सी आर जो है पी बी के इक्वल दिखा रहे हो, दूसरी चीज सी आर पी बी के पैलर दिखा रहे हो। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल जो पी आर सी बी होगा, क्वाड्रिलेटरल पी आर सी बी जो है बेटा ये जो है ये पैलोग्राम है, क्लियर। तो जब पैलोग्राम जब है, क्लियर, तो आप जानते हो कि पैलोग्राम में अपोजिट पेयर क्या होता है, पैलल होता है। तो ये बताइए कि जो पी आर जो होगा वो किसके पैलर होगा, इस बीसी के पैलर होगा। तो जब पी आर जो है बीसी के पैलर है तो हम कह सकते हैं हेंस जो पी क्यू जो होगा बेटा वो भी किसके पैलर होगा, बीसी के हो जाएगा। तो एक रियल तो हमने यहाँ पे आपको दिखा दिया कि कैसे जो है पी क्यू जो है इस बी सी के पैलल है। अभी हमको एक दूसरे रिजल्ट को भी दिखाना है कि पी क्यू का रिजल्ट जो है वो बी सी का आधा होगा, कैसे होगा ये देखिए। देखो इसको मैं क्लीन कर देता हूं मैं, आपको पता होगा कि पैलोग्राम में अपोजिट्स इक्वल होता है, तो जो पी आर जो होगा वो बी सी के बराबर होगा। तो पी आर की वैल्यू BC के बराबर। अब PR का जो लेंथ है ये दो पार्ट में बटा हुआ है, PQ प्लस QR में। तो PR की जगह पे हम लिख देते हैं PQ प्लस QR, ठीक है। और यहां देखो कि जब आप प्रूविंग का कॉन्सेप्ट जब लगा रहे थे तो आपने PQ को एक्सटेंड किया था QR के बराबर, यानी जितना लेंथ PQ का है उतना ही लेंथ QR का है। तो यहां पे PQ किसके बराबर है, PQ बराबर है QR के। तो यहां पे हम क्या करेंगे कि QR को रिप्लेस कर देंगे और यहां पे हम PQ डाल देंगे। अब ऐसा क्यों करेंगे, हम तो यहां पे भी चेंजिंग कर सकते थे, लेकिन हमको रिलेशन जो है PQ और BC के बीच में निकालना है, इसलिए हम QR को रिप्लेस करेंगे और वहां पे हम क्या डाल देंगे, PQ डाल देंगे। अब यहां देखो PQ कितनी बार आया, PQ आया है दो बार, तो यहां पे लिखिए 2PQ, और 2PQ का लेंथ किसके बराबर है, BC के। तो यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल नंबर नहीं तो वन तो है ऑलरेडी। अब यहाँ पे देखो जब इस 2 को हटाओगे तो यहाँ नीचे आ जाएगा डिवाइडेशन में, तो ये हो जाएगा 1/2 BC, यानी PQ की जो लेंथ होगी वो BC की आधी हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इसका कॉन्सेप्ट आपको स्टेप बाई स्टेप बेहतर ढंग से समझ में आया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें
और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए ऊपर आई बटन और वीडियोस के एंड में लगी वीडियोस के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जो वीडियोस के प्लेलिस्ट के जो लिंक दिए गए हैं उन्हें जरूर वॉच करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।